हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा जो एक स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्रूव हुआ, वो कैसे हुआ, मैं मॉर्निंग एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें थोड़ी डिटेल बताई थी कि हमें वीज़ा जो स्विट्ज़रलैंड ने दे दिया है, सो वो कैसे मिला है, क्या बंदे के डॉक्यूमेंट है, कैसे हमने उसकी प्रोफाइल पर वर्क किया है, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा मैं स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा जो क्लाइंट है, पंजाब का क्लाइंट है, इनका जो वीज़ा हमने लिया था स्विट्ज़रलैंड से, पहले हमने रशिया का वीज़ा अप्लाई किया था। रशिया का वीज़ा हमने एक मंथ वाला वीज़ा अप्लाई किया था, किसमें 28 दिन की एंट्री होती है। इनविटेशन लेटर हमने रशिया से मंगवाई थी, जो अराउंड 1200-1400 के आसपास में पड़ी थी। हमें मतलब रशिया के वीज़े की कॉस्ट 10,000 रुपये पड़ गई थी। एंड उसके बाद हमने रशिया के वीज़े के बाद में हमने स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा अप्लाई किया, जो हमने फॉर्म फिलअप किए एंड कवर लेटर बनाया। कवर लेटर में ये मेंशन किया कि हम स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे, स्विट्ज़रलैंड मैक्सिमम डे ऑफ स्विट्ज़रलैंड में रहेंगे, स्विट्ज़रलैंड में जो जो सिटी देखने जाएंगे, हमने उस सिटी का नेम मेंशन किया है। उसके बाद था फिर हमने फ्रांस मेंशन किया कि हम स्विट्ज़रलैंड 6 डे हम स्विट्ज़रलैंड रहेंगे, उसके बाद 5 डे हम फ्रांस में रहेंगे। एंड फ्रांस से नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, वो हमारी रशिया है। हमने जो उनको एक मोटिव दे दिया कि हाँ, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है आपकी कंट्री एग्जिट करने के लिए, हमारे पास वैलिड वीज़ा है रशिया का, हम रशिया में जाएंगे। एक आइटनरी डमी टिकट लगा के दिखाई थी उनको, एंड होटल बुकिंग उनको शो की थी, जो पेड होटल बुकिंग वो हमने शो की थी। हाँ, हमारी रशिया की होटल बुकिंग भी शो की थी। एंड हमारे पास ट्रैवल इंश्योरेंस शेंगेन की नहीं थी, शेंगेन के साथ रशिया की भी थी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है। हमने 3 कंट्री की ट्रैवल इंश्योरेंस करके उनको दिखाई थी, जो एम्बेसी को लगा था कि हाँ, मन जो भी इन्होंने जेन्युइन प्रोफाइल हमें दिखाई है, जो भी हमारे पास 1 साल की ITR थी एंड उद्यम रजिस्ट्रेशन था, किस कारण हमें एक कवरिंग लेटर में लिखना पड़ा कि हाँ, हमारे पास 1 साल की क्यों ITR थी, हमारे पास 2 साल की नहीं है ITR, उसके लिए रीज़न क्या है। हमने उनको रीज़न भी दिया कि हमारे पास, हमने जो बिजनेस नया स्टार्ट किया है, हमारा रशिया जाने का प्लान है, हम रशिया रिटर्न में आएंगे, क्योंकि हमें जो हम बजट ट्रैवलर हैं, हम बजट के साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। सो हम स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, इंडिया से स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस, फ्रांस से फिर रशिया, मॉस्को। हम मॉस्को में 5 दिन रुकने वाले, मॉस्को के बाद 5 दिन के बाद हम इंडिया रिटर्न आ जाएंगे। बस एक ऐसी सिंपल जी प्रोफाइल बना के हमें उनको दी थी, सो हमें वीज़ा अप्रूव हुआ। जो मेरे भाई लोगों के डाउट होते हैं कि भाई शेंगेन बहुत टफ है, उसका सक्सेस रेट कैसे निकलेगा, कब हम वैसी मतलब वीज़े देने स्टार्ट करेंगे, सो भाई हम वैसी वीज़े दे रही है, बट आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वैसी वीज़े देगी आपको। आपका जाने का पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका आने का पर्पस, आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपकी ITR के साथ मैच बैलेंस होना चाहिए। सो ऐसे आप लोग गलती क्या कर लेते हो कि हमारे पास ITR भाई 5 लाख की है, हमारे पास अकाउंट में बैलेंस 3 लाख है। सो भाई ऐसे तो फिर मैटर नहीं होगा, आपके पास कितना बैलेंस है उस अकॉर्डिंग आपके जो आपका साल के आप कितनी सेव करते हो, कितने आपकी इनकम सोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप ITR दिखाओ, फिर इक्वल इक्वल हो के आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको एक वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आप फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कैसे प्रोफाइल के लिए कंसल्ट करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं आप सभी लोगों की प्रोफाइल देख के भी बता सकता हूँ कि हाँ, आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी प्रोफाइल में क्या क्या कमियाँ हैं, कैसे आपने कौन सी कंट्री में फाइल डालनी चाहिए, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में डालनी चाहिए, ऑस्ट्रिया में डालनी चाहिए, चेक रिपब्लिक में डालनी चाहिए, ऐसे कौन सी भी है। सो भाई अभी चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है, सो आप मुझे पूछना मत कि हाँ कि भाई आपने चेक रिपब्लिक बोला था। हाँ, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बंदे की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कौन सी कंट्री उसके लिए बेस्ट है, जो आपको इजीली वीज़ा दे देगी। सो आप ऐसी गलती मत करना कैसी हमने की, हमने तो एक रिस्क लिया है भाई, 10,000 का हमने रिस्क लिया था रशिया का। सो आप ऐसी गलती मत करना कि आप रशिया का वीज़ा अप्लाई करके बाद में आप फ्रांस का वीज़ा या स्विट्ज़रलैंड का अप्लाई कर लो, भाई ऐसे नहीं है। आप मुझे कल को मत बोलना कि भाई आपने ऐसे वीज़ा अप्लाई किया, आपने हमें वीडियो में भी बताया था कि भाई ऐसे आप कर लो, आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो भाई हमने एक ट्रिक यूज़ की थी, किस कारण हमें वीज़ा अप्रूव हुआ, आप ऐसी गलती मत करना। सो आप किसी से कंसल्ट करके आप वीज़ा लगाना, जी आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई दूंगा एंड कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूंगा आपको इंस्टाग्राम पर। सो मैं किसी एजेंट को माड़ा भी नहीं कहना चाहता हूँ, हाँ एजेंट की भी सलाह लग सकते हो, आप कैसे भी सोचो,
आप कंसल्ट करना चाहते हो, आपके नियर बाई एजेंट है, हाँ मैं नहीं आपका रिप्लाई दे सकता हूँ, तो एजेंट के पास भी चले जाओ, जेन्युइन के पास, जो आपको आपके पास से एक जेन्युइन फीस ले कि आपका हाँ ऐसे आपका वीज़ा आ जाएगा, इतनी फीस है। हाँ भाई कोई 50,000 मांगे आप मत देना, सिंपल क्लियर बात है, आप देख लेना, मुझे बोल देना, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कि हाँ आप स्विट्ज़रलैंड का और फ्रांस का वीज़ा खुद कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसी उसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, एंड कवर लेटर कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, डे वाइज आइटनरी कितने दिन की बना सकते हो, इस अकॉर्डिंग आपको एक सही गाइड करूंगा मैं। एंड